हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। समर जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? प्रणाम भैया, बहुत अच्छे हैं और आप सभी लोगों का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। अच्छे हैं। क्या कुछ कर आजकल खेत खलिहान में, धान काट रहे हैं या गेहूँ कट रहे हैं? नहीं, अभी धान का सीजन तो निकल गया है। हाँ। अभी समय पिटाई उटाई चल रहा है और गेहूँ का बुआई तो, ख्याल पूरा रख रहे हैं ना? नहीं, मेहरी से तो हमेशा बातचीत होता रहा ला। अभी शूटिंग कर रहे हैं, उसका टाइटल तो कुछ इस तरह जरा हमारे दोस्तों को बताएं। अभी शूटिंग हम कर रहे हैं सुहागन का। सुहागन मतलब आपकी मेहरिया सुहागन रहेगी पूरी बढ़िया से पूरा? अगर यहीं पे बता देंगे तो फिल्म फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हाँ, जो टाइटल है सुहागन है। मतलब ये समझ लीजिए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा टाइटल और ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए मिल रहा है, जो कि हमारे लिए एक तरह से सपना था कि नहीं। बंटी भैया जो कि बहुत बड़ा नाम है, 2017 में बंटी भैया सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर चुना गया था इनको और अवार्ड भी मिला था भैया को, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और निर्देशक हैं इसके संजीव भैया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सबका सपोर्ट मिल रहा है, काम करने में मज़ा आ रहा है। अभी गाने भी हम लोग शूट किए, तीन गाने शूट किए और बहुत मतलब मज़ा आ रहा है हमको काम करने में। मेहरिया खूबसूरत भी है कि नहीं? मेहरी बढ़िया खाना खिलाती है ना? मेहरी तो दोनों खूबसूरत हैं। खाना पीना बढ़िया मिल रहा है? हाँ, खाना पीना आराम से टाइम से मिल जाता है। अच्छा। ब्रेक भी टाइम से हो रहा है, काम भी टाइम से हो रहा है, तो टाइम से सारा कुछ होगा तो आपका सारा कुछ अच्छा रहेगा। कैसा लग रहा अभी एक के बाद एक फिल्म अभी करने को मिल रहा है? हाँ, टाइट हो गया है, लेकिन अच्छा काम करने में मज़ा भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं करना है। मतलब 2 महीने में कितने फिल्में आपने छोड़ा है? 2 महीने में हमको लगता है कि कम से कम 10-12 फिल्में छोड़ दी हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि नहीं अच्छा काम हो, बढ़िया काम हो। काम मतलब फिल्में कम आए, लेकिन ऐसी आए कि लोग एक बार देखें तो सोचे कि नहीं हाँ काम हुआ है, और हम भी चाहते हैं कि नहीं काम अच्छा करें। आप जो सोचे थे पूरा हो रहा है सपना? हाँ, जो भी हमारी ख्वाहिशें थी, हमारा जो सपना था, तो धीरे धीरे महादेव की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है। अभी जिस फिल्म में शूटिंग कर रहे हैं उसके जरा और कौन कौन आर्टिस्ट जरा बताएंगे? इस फिल्म में हमारे साथ लीड रोल में हैं नीलू शंकर सिंह और माही खान जी हैं और इला पांडे जी। हाँ, इला पांडे जी हैं। तो ऐसे ऐसे सभी आर्टिस्ट लोग हैं। अभी तो आज तीसरा चौथा दिन है, तो आगे सब लोग आते रहेंगे। बंटी जी काफ़ी सुलझे हुए डायरेक्टर रह चुके हैं, फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। आपका उनका कभी कैसा कम्युनिकेशन है? नहीं, बहुत अच्छा है, भैया हैं हमारे, और ऐसा मतलब सेट पे कभी लगा नहीं कि नहीं इतने बड़े लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। हमेशा से भैया का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और खुश भी हैं कि कम से कम अपने लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ काम करने के लिए मिल रहा है। और फिल्म के डायरेक्टर संजीव भी हैं? हाँ, संजीव भैया के साथ हमने इसके पहले भी एक फिल्म की थी, लाल चुनरिया में भैया थे, और बहुत अच्छा मतलब जहाँ भी कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ भी रहता है, तो बताते हैं और समझाते हैं, और काम बहुत अच्छा करवाते हैं संजीव भैया। गाने पे कितना इस बार ध्यान दिया आपने? गाने बहुत अच्छे अच्छे बने हैं इस फिल्म के, और आप सुनेंगे तो नहीं लगेगा कि नहीं गाने अच्छे, वाकई में अच्छे बने हैं इस फिल्म के। म्यूजिक आपके वीडियो फिल्मों में मिला करती, क्या वो मिलेगी इस फिल्म में? मिलेगी, भरपूर मिलेगी। उस टाइप के गाने भी हैं इस फिल्म में, हम लोगों ने कोशिश किया है कि मतलब कुछ अलग तरीके से दिखाने के लिए, कि लोगों को हमेशा गांव की यादें आती रहे, कि नहीं जो हमारे परिवार में गांव में होता है चीज़ें, वो सब दर्शाया जाएगा इस फिल्म में। समर सिंह उसी लिए जाना जाता है कि गांव में समाज में जो घटनाएं घटती है, आज डेट में हाईवे पर जो ट्रक वाले करते हैं उसमें घुसे रहते हैं, और दर्शक सही में वही कुछ सुनना चाहते हैं। नहीं, बदलाव ज़रूरी भी था भैया, क्योंकि हमारे गांव की चीज़ें धीरे धीरे ऐसा हो रहा था कि उसको लोग अवॉइड कर रहे थे, नहीं सुनना पसंद कर रहे थे, तो एक बैग ऐसा हुआ, और ये जनता है, पब्लिक है, ये जो पसंद कर देगी उसको कोई टाल नहीं सकता, तो ऐसा ही कुछ हुआ। हम लोगों ने देसी अंदाज में देसी चीज़ें, जैसे कि अभी हम देख रहे थे, हम खुद ही कई एल्बम बनाए थे इसके पहले, वो बढ़िया बढ़िया जीन्स टी शर्ट कपड़े टाई ये सब मतलब बना कर रहे थे, बट उतना बड़ा गाना नहीं हुआ। जो हमने एक बनियान और एक लुंगी
और एक गमछा में मतलब लोगों ने प्यार दिया, वो उतने बड़े गाने में नहीं था। तो ये मतलब बदलाव हमेशा ज़रूरी है, होता ही रहता है बदलाव, और अभी सभी लोग कर रहे हैं। तो एक अच्छा चीज़ ये हो गया है कि जैसे गांव में जो प्रतिभाएं थी, जो लोग हारमोनियम बजाने वाले थे, ढोलक बजाने वाले थे और कोरस करने वाले लोग थे, झाल बजाने वाले लोग थे, तो घर बैठ गए थे, उनका रोजी रोटी कुछ भी नहीं चल रहा था। तो एक बैग ऐसा हुआ, गाने आए, हिट हुए। आज कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है जिस स्टूडियो में लोग लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, गाने नहीं हो रहे हैं। तो एक तरह से सबके घर में दो दो रुपया जाने लगा, तो बहुत खुश हैं हम लोग कि नहीं ऐसे ही ये हमेशा चलता रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। नया अभी बहुत जल्द आया, आज भी आया है गाना, और अभी एक बहुत अच्छा गाना आप लोगों के बीच में कल परसों आने वाला है, तो मैं उस गाने का अपडेट आपको दूंगा। मरी है अमराज जैया नरक में लौटा के, हाँ कौन सा चैनल आएगा ये? आ रहा है समर फिल्म एंटरटेनमेंट से। अभी और अपकमिंग कोई फिल्म है जो करने का प्लान है? अभी इसके बाद ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, अभी उसका नाम हमको नहीं मिला है। 3 फिल्में लगातार हैं, उसके प्रोड्यूसर हैं सविता जी। अभी एक फिल्म राकेश मिश्रा जी की शूट कर रहे हैं वो लोग देवरिया में, उसके बाद उसको करना है। तो ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं करना, लेकिन हाँ जो करना है ठोस और बन के तैयार है। कौन सी फिल्म सबसे पहले आने वाली है 2020 में आपकी? अभी 2020 में हमारी फिल्म विनाशक आ रही है, फिर उसके बाद है लाल चुनरिया पे दिलाया, फिर लव लेटर है, और तब तक सुहागन अपने आप में सुहागन भी रेडी है। फिल्म कर रहे हैं? हाँ अभी सर की और फिल्में, अभी लाल चुनरिया किए हैं, और भी फिल्में सब लाइन में हैं, तो करते रहेंगे बराबर। जाते थे जरा गाना गुनगुना दीजिए। अभी जो गाना हमारा कल परसों आने वाला है, वो गाना मैं सुना देता हूँ आपको, क्योंकि आप के पास से जाएगा तो हो सकता है कि लोगों को पसंद आए, और बहुत दूर तक जाएगा ना, आप पहुँचाते बहुत लंबा है भैया। इसमें एक भाभी है और एक देवर का गाना है। तो भाभी मतलब देवर से क्या कहती है, और ये घटनाएं हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हो रही हैं, जो इस गाने में मैंने दर्शाया। मुझे लगता है कि नहीं, गांव की मेरे नहीं है, लेकिन हर जगह की ऐसी घटनाएं हैं, खाली हमारे गांव की थोड़ी है, हर जगह ऐसा हो रहा है। और आप थे भौजाई अपने गांव के? हाँ। अब भौजाई क्या बोलते, जरा सुना दीजिए। हाँ। भौजाई कहती है, अरे की मजा लेत बड़ाई यहाँ लईकी फसाई के, अरे की मजा लेत बड़ाई यहाँ लईकी फसाई के, हो लईकी फसाई के, अमरी है यमराज जैया नरक में लौटाई के। तो ये गाना है, आ रहा है बहुत, मतलब हमको लगता है कि ये आते ही गाना हिट होना ही होना है। और सेकंड अंतर क्या है तेरा? अब फिर उसके बाद वो बोलता है कि ऐसा है कि आपके पति तो दुबई चले गए कमाने के लिए, हम भी देखते हैं कि नहीं कि आप क्या करती हैं यहाँ पे। तो देवर बोलता है उनको, अरे की हो गइल बियाह बाकी फोनवा लगाई के, अरे हो गइल बियाह बाकी फोनवा लगाई के, अब मजा ले लू नैहर में मजनुआ बोलाई के। तो ये इसी टाइप का है गाना, और लोगों को कॉमेडी टाइप का गाना है, और पसंद आएगा लोगों को। आप यूपी का जो टोन पकड़ते हैं जी, बहुत अच्छा लगता है दर्शकों को जी। आपके दिमाग में कैसा है कि यूपी के टोन को ही इसको खींचा जाए? हम लोग रहने वाले हैं कि हमेशा से मतलब बोलते हैं, तो हम फिल्मों में भी इसी तरह बोलते हैं, गाने में भी इसी तरह बोलते हैं। जैसे कि दिनेश भैया का देखते हैं कि वो भी एकदम ठेठ बोलते हैं। दिनेश जी गाना गाते हैं, लेकिन यूपी का जो टोन आपने जो पकड़ा, जो दिनेश ने पकड़ा, बाकी सिंगर नहीं पकड़ पाते हैं। हाँ लोग नहीं पकड़ पाते, लेकिन पकड़ना चाहिए। हाँ जैसे कि कैच ऊपर से आ रहा है तो उसको पकड़ने उस वाला चाहिए। लेकर के ज़्यादा फेमस आपके गाने हुए हैं जी। हाँ तो मतलब नई चीज़ें, जैसे हम दूसरे अगर थोड़ा सा भी लैंग्वेज चेंज करते हैं, हाँ तो लोग पब्लिक निकल जाती है। तो जैसे क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें लोगों को पसंद आती तो अलग दिखती तभी पसंद आती है। अब जैसे हरियाणा की टोन अलग है, तभी हरियाणवी गाने बहुत फेमस हो रहे थे, बहुत फेमस भी हैं। तो ऐसे ही टोन है, तो हम अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने यूपी का टोन पकड़ के चलते हैं, वो लोगों को पसंद आता है। तो बस दर्शकों से ही चाहेंगे कि आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। 2020 में मिलते हैं विनाशक लेके। थैंक यू।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.